टेक एडवाइजर प्रो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप देख सकें वीडियो सबसे पहले। तो लास्ट ईयर रियलमी ने लॉन्च किए थे अपने एयरफोन जिसका नाम था रियलमी एयरबड्स और उसकी प्राइसिंग रखी गई थी 500 रुपीज। और 2019 में रियलमी ने फिर से अपने एयरफोन लॉन्च कर दिए हैं जिसका नाम है रियलमी बर्ड्स 2। और यहाँ पर हमारे पास बॉक्स है, इस वीडियो में करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है और साउंड क्वालिटी कितनी इंप्रूव की गई है। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और मेरा नाम है रंजीत शर्मा, आप देख रहे हैं टेक एडवाइजर प्रो। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है इन एयरबड्स का बॉक्स। तो इसको मैंने परचेस किया था Realme की ऑफिशियल साइट से, बट आपको डिस्क्रिप्शन में Amazon और Realme दोनों की साइट का लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली जाके इसे परचेस कर सकते हैं। तो जल्दी से इसके बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पर एयरफोन का जो बॉक्स है वो बाहर आ चुका है और फ्रंट साइड में आपको एयरफोन की डिज़ाइन देखने के लिए मिलेगा और अपर साइड में आपको Realme की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाएगी और साइड में भी आपको Realme की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाएगी और बॉटम साइड में आपको इसका नेम लिखा दिखाई दे जाएगा और उसके नीचे आपको इसकी टैगलाइन दिखाई दे जाएगी जो कि है फील द रियल बेस। अब इसको ओपन करते हैं इसकी सील को ब्रेक करके और अब निकालते हैं एयरफोन को बाहर। तो बाहर निकलने के बाद सबसे पहले तो हमें एयरफोन देखने के लिए मिल जाती है और उसके नीचे कुछ और कंटेंट भी आपको मिल जाएगा। तो हम अपने एयरफोन को बाहर निकाल लेते हैं बॉक्स से। तो जो ये पैकिंग है ये सच में काफ़ी स्ट्रांगली की गई है, काफ़ी फिट किया गया है एयरफोन को इसमें। और एयरफोन बाहर आ चुका है और इसके बाद इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं बाकी इसमें क्या है। तो यहाँ पर आपको कुछ एयर टिप्स भी दी गई हैं और इसके नीचे आपको एक यूज़र गाइड भी मिल जाती है Realme की तरफ से। एयरडॉट्स को निकाल के देख लेते हैं, आपको दो साइज़ में मिल जाएगी, स्मॉल और लार्ज दो साइज़ में आपको एयर टिप्स देखने के लिए मिल जाएंगे। इसको आप अपने अकॉर्डिंगली फिट कर सकते हैं और आपको यूज़र गाइड में भी सारे इंस्ट्रक्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद हम आ जाते हैं अपने एयरफोन की तरफ। तो इसकी पैकेजिंग को हटाते हैं और उसके बाद इसके बैक साइड में आप देख सकते हैं Realme की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाएगी और इसमें आपको मैग्नेट भी बैक साइड में देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसके बाद जो इसके बटन हैं वहाँ पर भी आपको येलो और ब्लैक का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको वॉल्यूम लॉकर भी मिल जाएंगे और बीच में आपको कॉल पिकअप करने का बटन भी मिल जाता है। बैक साइड में आपको माइक मिल जाएगा आपकी वॉइस के लिए और यहाँ पर आपको एक स्ट्रैप दिया गया है इस एयरफोन में विद Realme ब्रांडिंग और इसका यूज़ आपको कुछ इस तरीके से करना है ताकि आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इसको इजीली कैरी कर सकें। और जो इसका वायर है ये सच में इसकी क्वालिटी ऐसी है कि ये जल्दी टूटने वाला नहीं है, ये लॉन्ग लास्टिंग देखने में ही आपको पता चल जाएगा। इस एयरफोन की क्वालिटी सच में बाकी एयरफोन से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और जो इसके स्पीकर का डिज़ाइन है ये लास्ट ईयर से थोड़ा चेंज है और लास्ट ईयर का आप पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दोनों में कैसा डिफरेंस है। और यहाँ पर जो ब्लैक और येलो कलर का कॉम्बिनेशन दिया गया है ये सच में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है और ये काफ़ी ज़्यादा लुक को इन्हेंस करता है। और आप इस एयरफोन को कैसे भी अपने बैग में कैरी कर लें बट ये आपस में उलझने वाली नहीं है, आप इजीली इसे ठीक कर सकते हैं। तो ये था ओवरऑल इस एयरफोन का पैकेज। तो अनबॉक्स हो चुका है हमारा Realme Buds 2 और यहाँ पर जो कुछ डिफरेंस है वो ऑलरेडी मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ और अब हम चेक कर लेते हैं इसकी साउंड क्वालिटी और इसका जो बेस है वो एक बार मैं चेक करके देखना चाहता हूँ कि जो Realme ने इसका टैगलाइन दिया है कि फील द रियल बेस। तो अब इसका टाइम है कि एक बार हम इसके बेस को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है MI A3 और MI A3 से मुझे याद आया कि अगर अभी तक आपने इसके गिव अवे की वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं इस फोन का गिव अवे कर चुका हूँ। और अगर
अभी तक आपने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है तो जल्दी से जाइए उस गिव अवे में पार्टिसिपेट कीजिए। और अब हम चेक करते हैं इसके साउंड क्वालिटी। सुनने के बाद मुझे जो इसका बेस था वो उसका बेस सच में काफी ज्यादा एक सॉफ्ट साउंड आपको दे देता है। और मैंने इसके कई सारे कैटेगरीज के सॉन्ग भी सुने, मैंने क्लासिक म्यूजिक भी सुना, उसमें जो उसका साउंड था वो काफी ज्यादा सॉफ्ट था। ये जो प्रोडक्ट है ये 600 रुपीज में वैल्यू फॉर मनी है। और अगर आप सर्च कर रहे हैं वायरलेस एयरफोन तो मैं ऑलरेडी एक मीवी का वायरलेस एयरफोन की अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ। आप इसकी अनबॉक्सिंग मेरे ऑलरेडी इस लिंक का आपको यहाँ पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसकी वीडियो देख सकते हैं। काफी अच्छा प्रोडक्ट है वायरलेस अगर आप एयरफोन चाहते हैं। तो बात करूं अगर मैं इसके रिव्यू की तो मैं इसे दूंगा 5 में से 4 की रेटिंग, क्योंकि 600 रुपीस की प्राइस रेंज में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और प्रोडक्ट इससे ज्यादा बेटर अभी मिलेगा। और इसका लिंक आपको डायरेक्टली मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन में, आप Amazon और Realme की दोनों की साइट का आपको लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली जाके वहां से बाय कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि अगर आपके पास कोई और अच्छा ऑप्शन है इस रेंज में एयरफोन के लिए तो मुझे जरूर कमेंट में बताइए। मिलते हैं अब तक के लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।